मोदी सरकार के पूर्ण बहुमत से दोबारा सत्ता में आने के बाद कई कड़े फैसले किए हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना हो, अयोध्या विवाद हो या नागरिकता संशोधन बिल हो, मोदी सरकार इन सभी फैसलों को लेने में खरी उतरी है। इसी बीच खबर आई है कि इन तमाम फैसलों के बाद अब सरकार कुछ और अहम मुद्दों पर फोकस करने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी नेताओं के साथ अनौपचारिक बैठक की थी। इस बैठक में नेताओं ने कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग उठाते हुए कहा कि इसे जनता का भारी समर्थन मिलेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बड़े कदम की झलक अपने भाषण में देते हैं। जो उनके भाषण ध्यान से सुनता है उन्हें उससे कुछ न कुछ संकेत मिल जाता है। गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए पीएम ने छोटा परिवार रखने को भी देशभक्ति से जोड़ा था। प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में सफाई, कालाधन, प्लास्टिक थैलियों का उपयोग बंद करने जैसी बातें की तो बाद में उसको लेकर बड़े कदम उठाए। सूत्रों का कहना है कि समान नागरिकता संहिता चूंकि जनसंघ का एजेंडा रहा है, ऐसे में सरकार इस पर भी आगे विधेयक ला सकती है। पार्टी के कई नेता पूर्व में ये मांग उठाते रहे हैं। हालांकि इस मसले पर कुछ याचिकाएं कोर्ट में भी चल रही हैं। हालांकि सूत्रों का ये भी कहना है कि कोर्ट में याचिकाओं के होने पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार चाहेगी तो अनुच्छेद 370 की तरह आगामी सत्रों में इस पर भी विधेयक ला सकती है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.